नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हम बहुत ही सरल तरीके से इस हथेली का विश्लेषण करेंगे। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है हथेली का विश्लेषण नहीं भी जानता है वो इस वीडियो को देखे और आपकी हथेली में कुछ भी इस प्रकार के साइन है या कोई उंगली या कोई पर्वत इस तरह का है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकल रूप में आप कैसे देखें, ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, जिससे नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी जो जानता नहीं भी होगा वो भी इस चीज़ को देख के अपने हाथों से मिला के इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है ना। दूसरी बात हम करेंगे, देखिएगा, हम वही चीज़ देखेंगे जिससे आपको सरलता से जो है समझ में आ जाए। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। भले ही मेरी वीडियोस थोड़ा लंबी होती है, क्योंकि रियल हथेलियों का विश्लेषण मैं करता हूँ और एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से, जिससे जो है नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाए। ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम हथेली को अगर देख रहे हैं, जब हथेली खुली हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देखोगे आपकी नज़र यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है ना। आपकी नज़र यहाँ पे पड़ रही है, आपकी नज़र जो है यहाँ पे पड़ रही है और आपकी नज़र यहाँ पे पड़ रही है और आप देखोगे आपकी नज़र यहाँ पे भी पड़ रही है, आपकी नज़र जो है यहाँ पे भी पड़ रही है। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं इस चीज़ को। लकीरें तो हैं, उनका अपना महत्व है, हाथ में साइन है, उनका अपना महत्व है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी बताएंगे। देखिएगा, सबसे ज़्यादा ये भाग होता है, इसको हम कहते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करें इस क्षेत्र को, फिर मैं बताता हूँ। ज्योतिष का और जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और ये जो चंद्रमा है ना, ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, वो कहती हैं कि चंद्रमा मनसो जायता है, माने चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है ना उसका निर्माण ही मन से हुआ है। मन का ही अवयव है ना मानव, मन का ही पार्ट है मानव। इसीलिए हम मानवों के जीवन में, हम मनुष्यों के जीवन में ये चंद्रमा वाला जो पार्ट है, इसकी बड़ी भूमिका होती है, बड़ा रोल इसका होता है। और देखिएगा, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सबको जो है प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों में इसी चंद्रमा का अधिकार है। और चंद्रमा 70% आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है, निश्चित तौर पे, प्रैक्टिकल रूप से। अभी क्या स्थिति है ये देखिएगा, ये भव्य होना, ये अनुकूल होना, बैलेंस होना क्यों जरूरी है ये देखिएगा। अगर इस तरह से हो, खूबसूरत ना हो, कहीं पे इस तरह गड्ढा हो, इस तरह के कई साइन हो, ठीक है ना, और यहाँ पे उठा हो, कहीं पे बैठा हो, इस तरह से हो, अनबैलेंस हो पूरी तरह से, तो ये कहाँ अटैक करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है। ऐसे में ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये ढैया में बैठा हुआ है अभी और आपके मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मन किसी न किसी कारण से गड़बड़ रहेगा, मानसिक तनाव की स्थिति भी रहने वाली है जब तक चंद्रमा जो है अनुकूल नहीं आता है, या जो है बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, बात बात पर ऐसी स्थिति भी आ सकती है, आँख से आंसू बह जाए, या इमोशनली जो है बहुत परेशान हो सकते हैं। ठीक है ना। और चंद्रमा इस तरह से अनबैलेंस हो हथेली में, ये खासकर है प्रैक्टिकल रूप में देखा है, तो मन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, मन थोड़ा भटक सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है, जी कुछ खराब सा रहता है, मन काम करने का मन नहीं करता है,
क्योंकि उसमें बेहतरीन परिणाम नहीं मिलते हैं और ग्रह भी इसमें समाहित होते हैं। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट भी सही नहीं होगा। और चंद्रमा थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा अनबैलेंस होने बैठ जाए तो व्यक्ति की अगर माँ होती हैं तो व्यक्ति या तो माँ से थोड़ा दूर रहता है, इस कारण जो है माँ का पूरा सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा हो, अभी उस स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा होने बैठ जाए तो कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, कोई ना कोई संघर्ष बना रहता है और कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, जो क्रिएटिविटी है ना, वो थोड़ा उसमें कमी आने बैठ जाती है। और यही चीज़ जो है चंद्रमा आपको देता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है वर्तमान समय में? भले ही मैं कुछ ध्यान क्रियाएं, कुछ योग क्रियाएं आपको दूंगा जिनका बेहतरीन परिणाम मिलेगा और जीवन में सफलता निश्चित मिलेगी, किस उम्र से मिलेगी ये भी अभी बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसका सपोर्ट कर रही है ये आपका मणिबंध। रेखाएं अच्छी हैं क्योंकि सीधी नहीं बल्कि इनमें जो है यव का साइन एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है हर पे। ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये लकी मानी जाती है। लेकिन आप देखोगे इन रेखाओं को अनगिनत छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल नुमा बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दिखाती है, ठीक है ना। ये व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, इस बात की ओर संकेत करती हैं, इस चीज़ को दिखाती हैं, ठीक है ना। अब इनका भी एक क्षेत्र सपोर्ट कर रहा है, वर्तमान की स्थिति बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा उसके बारे में भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो अंगूठा है ना, उसका नीचे का जो ये भाग है आप देख रहे हैं, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये आचार्य हैं, शुक्राचार्य जिन्हें कहा जाता है, ये हमारे हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। प्रथम आचार्य जो है ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसके नीचे का जो ये भाग है गुरु का पर्वत, ये है सेकंड फर्स्ट, लेकिन जो है ये सेकंड है। तो ये किस हिसाब से बैठे हैं देखिएगा, यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा उभर गए, यहाँ मुँह लिए हुए हैं बीच में और नीचे की तरफ झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा बली हो गई है, ठीक है ना। ये अगर इस तरह से अनबैलेंस हो तो ये चंद्रमा भी इस तरह से हो, ये भी इस तरह से हो, तो ये मानसिक परेशानी को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और ऐसी स्थिति में जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बाद बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ये अभाव की स्थिति में रखता है, जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें लेकिन आप जीवन में सारे साधन अगर हो भी जाएं तो उसके बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं नदारद रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो है जितनी भी मेहनत होती है, जितना भी परिश्रम होता है ना, तो उसका पूरा श्रेय न क्रेडिट ही मिल पाता है, हमेशा धन का अभाव रहता है, चाहे कितना भी कर ले व्यक्ति, लेकिन धन का अभाव रहता है अगर ये स्थिति बन रही हो। क्या करना चाहिए भाई, बन रही है ये ऐसे तो जाएगी नहीं, इसके लिए कुछ करना होगा। जब हथेली में इस तरह की स्थिति बनती है ना, तो सबसे पहले हमें बैठ के विचार करना चाहिए कि हमारा रूटीन कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, कहीं बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। और ये इसी चीज़ को दिखाती है कि आपके जीवन में जो ये योग बन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको जो है अपनी जीवनचर्या को थोड़ा बदलना है, उसमें परिवर्तन का समय आ गया है, आपको परिवर्तन करना है, आपको वैज्ञानिक और वैदिक तरीके से जीना होगा, आप जीवन में योगिक और ध्यान वाली क्रियाएं जरूर करनी होगी, जिससे जो है, और ये कहीं पे भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप माला ही जपें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करें और उसी चीज़ में उलझें, नहीं, अपने श्रद्धानुसार
जैसा आपका चल रहा है पूजा पाठ चलाते रहिए, लेकिन कुछ योगिक और ध्यान की क्रियाएं जीवन में जरूर करें। सुबह और शाम जो आपका रूटीन है उसमें चेंज जरूर करें। क्या करना है ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, लिख करके भेज रहा हूँ, निश्चित ही बेहतरीन परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, बहुत ही जल्द। लेकिन आपके ऊपर बात है, आप एकाग्रता से करते हैं, अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, श्रद्धा से उस चीज़ को करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम आपको बताना है, आपको समझाना है और आपके जीवन को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए जो है प्रार्थना करनी है। ये हम कर सकते हैं, बाकी करना आपको ही है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें हम तो अंगूठे का जो आकार है इस तरह से जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि जीवन काल में जो है इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी। ये आपके तर्क शक्ति को बता रहा है कि अपनी बात को दूसरों को समझाने में जो है माहिरता हासिल है, समझा सकते हैं, ये इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। माने कहीं ना कहीं जो है लॉजिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें इस अंगूठे को तो यहाँ पे जो है एक यव का साइन बहुत सुंदर रूप में बन रहा है, ठीक है ना। दोनों पौरवों के बीच में, ये पहला पौरवा है, ये सेकंड पौरवा है, इन दोनों के बीच में यव का साइन बन रहा है। जौ के समान एक साइन बन रहा है, इसको यव का साइन कहते हैं। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी ये आपको दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपको ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है कि देखिएगा कि आपको अपने घर का सुख अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है ना। अपने कमाए हुए पैसों से, किसी कारणवश जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको जो है अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। ये चीज़ें कहती हुई यहाँ पे आपकी अंगूठा कह रहा। अब थोड़ा सा अंगूठे के आकार को देखें, वो क्या कह रहा है, सब कुछ देख ले। अंगूठा का आकार जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से। ये जीवन काल में थोड़ा संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार थोड़ा धन हानि को भी दिखाता है। और देखिएगा खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है ऐसे जातकों के जीवन में। लेकिन ये कह रहा है व्यवसाय अगर करते हैं आप, बड़ा सोच समझ कर करिएगा, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। वैसी जो स्थिति बनती है वो 42वें वर्ष से, जो 42वें वर्ष की आयु है, थोड़ा थोड़ा जो है आपके जीवन में प्रगति यानी बैठ जाएगी। और जो संघर्ष है, जो जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने हैं, धन की स्थिति है, वो पीछे छूटने बैठ जाएगी। और इस 42वें वर्ष की आयु से आप जो है अपना व्यापार बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसमें है। लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि नौकरी ही करें, अगर व्यवसाय करें भी तो जो है कहीं ना कहीं जो है आपको पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और खासकर अभी जो योग हैं, कम से कम 6 महीने तक आप व्यवसाय की तरफ ना जाएं, बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा और कोई विस्तार नहीं मिलेगा। उसके बाद जो योगिक और ध्यान की क्रियाएं मैं आपको दूंगा, जो आपको ज्योतिषीय उपाय दूंगा, उसको करिएगा, स्थितियां निश्चित तौर पे बन जाएंगी और आप उस तरफ चले जाना, आपके लिए फायदा होगा। लेकिन जो स्थिति बहुत बेहतरीन होनी शुरू हो जाएगी वो 42वें वर्ष से होती है। अगर इस तरह का जो है आकार बन रहा हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है।
खूब मेहनत करेंगे तभी आपके पास धन आएगा, लेकिन जरूर आएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, और साठिका की जो प्रॉब्लम है, कमर की जो प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को भी ये बताता है। थोड़ा योग और प्राणायाम जरूर करें इस संभावना को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा जो है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक रेखा के ऊपर जाते हैं, फिर उंगलियों के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें जो आपकी हृदय की लकीर है, सीधी सीधी यूँ जा रही है, समझने की कोशिश करें, कहाँ जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। ये उंगली है, इसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, बृहस्पति की उंगली तर्जनी। ये उंगली है, इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली मध्यमा। ये इन दोनों के बीच में देख रही है। इसका जड़ वाला भाग आचार्य बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इसके जो है नीचे वाला भाग शनि का पर्वत है, जो न्याय का देवता, न्याय का ग्रह माना गया है, इसके बीच में देख रहे हैं। तो जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, आपकी जो सोच है हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति के, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई पूजा पाठ करना पड़े, इन कई प्रकार हैं, जो भी आपसे हो जाएगा आप वो करेंगे, ये बता रही है, ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति एक समय आता है जब सफलता की सीढ़ी भी चढ़ता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे बौद्धिक स्तर देखें कैसा है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है, ये पूर्णतया जो है मध्य चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा विवेकवान है, मगर कुछ कामों में केवल और केवल जो है कल्पनाएं हो रही हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो धरातल पे भौतिक रूप से जो है वो उतर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा जब थोड़ा सा अनबैलेंस हो और मस्तिष्क की रेखा उसकी ओर आ रही हो तो चिंतातुर स्वभाव की भी ये दिखाती है, ठीक है ना। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसको बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही, इसको ठीक नहीं माना जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा को बारीक बारीक रेखाएं काट रही हो तो व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, चाहे अरबों आ जाए, उसकी हथेली में कभी धन नहीं टिकता है। हमेशा खर्चीला स्वभाव रहता है, किसी न किसी कारण से धन आएगा, लेकिन किसी न किसी कारण से धन चला भी जाएगा, न तो स्टोर होगा, न उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी। धन हथेली में कभी नहीं टिकेगा, हमेशा पैसों का अभाव रहता है, अगर मस्तिष्क की लकीर को इस तरह की रेखाएं काटें। सबसे बड़ी होती है हमारी धन और करियर की रेखा, यहाँ पे देखिएगा आपकी यहाँ से जो है एक इस तरह से बनता है, और यहाँ से जो है इस तरह से बन के धन की रेखा निकल रही है, करियर की रेखा, लेकिन यहीं पे समाप्त तो हो रही है, फिर थोड़ा आभासी हो रहा बस, ठीक है। देखिएगा ये धन और करियर की रेखा जब मणिबंध से चले, इस तरह से चले, इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एकाएक ये मस्तिष्क की रेखा पे रुक जाए तो व्यक्ति जो है स्वयं के गलत निर्णयों के कारण अपने जीवन काल में अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो एक तो इससे संभल कर रहना है, जीवन काल में त्वरित कोई जो है निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोच समझकर अपने से बड़ों की राय लेकर, जो आपका हितेशी हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे जो है वो रिश्तेदारी में हो, चाहे अपना मित्र हो कोई, उससे जो है सलाह मशवरा करके उस चीज़ के द्वारा बड़ा निर्णय लेना चाहिए, खासकर करियर के मामले में और धन के मामले में। अब दूसरी स्थिति देखिए, जीवन की रेखा इस तरह से जारी है
और इस जीवन की रेखा से भी एक बहुत धुंधली धुंधली एक रेखा आ रही है, लेकिन ये भी अचानक हृदय की रेखा पे जा रही है। दो भाग्य और करियर की रेखा अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जो अंदर होता है उसमें सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है, और ग्रहों का जो है अच्छा प्रभाव रहता है, इनको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये रेखा भी आके हृदय की लकीर पे एकदम जो है रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये भी यही कह रही है, आपको सचेत कर रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत लेना। अगर गलत निर्णय लेंगे तो जो है अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी रूप से अवरुद्ध कर लेंगे, फिर उसे पाना नामुमकिन होगा। आपको क्या करना है देखिएगा, इस तरह की धन और करियर की रेखा हो तो धन के मामले में हमेशा गरीबी रहती है, करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए जीवन में। इसके लिए जो है केवल और केवल वैदिक तांत्रिक उपाय होता है रात्रि के समय का, उसको अगर कर ले, साथ में ध्यान क्रिया अगर कर लिया जाए तो ये रेखाएं निश्चित रूप से बहुत प्रबल 3.5 वर्ष के बाद होती हैं। ठीक है ना, इसका वो समय प्रोसीजर लगता है, ये उतना ही समय लगाती है, लेकिन ये निश्चित तौर पे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम देने बैठ जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सुंदर प्रगति करता है, धन के मामले में जो है बहुत लकी रहता है, और जीवन में भाग्य का साथ बराबर मिलता है। तो ये आपको करना चाहिए। अब देखिएगा, हमने देखा, सभी रेखाएं देखी हैं, आपकी थोड़ा सा जीवन रेखा को भी देख लिया जाए। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है 60 से 65 के बीच एक जो है बहुत सुंदर त्रिकोण इस पे बन रहा है, मतलब बहुत बड़ी अचल संपत्ति का लाभ इस समय आपको होगा। जीवन में जब भाग्योदय होगा तो धन की स्थिति बहुत अच्छी आएगी, और भाग्योदय का समय 42वें वर्ष से निरंतरता चलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और 56 वर्ष की आयु के बाद तो जो है ऐसा समय है कि जो आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन 42वें वर्ष से बहुत सुंदर समय आपका आ रहा है। उससे पहले भी आपका समय अच्छा रह सकता है यदि आप करियर और धन के मामले में रेखा को प्रज्वलित कर लें। साथ में जो है आपको अभी व्यवसाय नहीं करना है, अभी आप नौकरी ही करेंगे, क्योंकि व्यवसाय में आप धन हानि करेंगे और कुछ कमा नहीं पाएंगे, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अभी नौकरी ही करनी है, लेकिन नौकरी में बढ़ोतरी के लिए भी मैं धन और करियर की रेखा का उपाय दूंगा, वो बहुत सुंदर रहेगा। परिवार के प्रति केयरफुल रहेंगे, इस बात की संभावना है। एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बन रहा है, ये धार्मिक प्रवृत्ति का आपको बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा, इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। एक बहुत सुंदर रेखा आपकी यहाँ पे उभर रही है, लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएँ इसको काट रही हैं, इसका जो महत्व है उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर रही है, उसके महत्व को। देखिएगा, जब ये रेखा को कोई रेखाएं न काटे, ये स्पष्ट रूप से हो, एक दो काटे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से न काटे, धूमिल न हो, तो उस समय से लगभग 42वें वर्ष से ही आपको दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है वो आशीर्वाद रूप से फलित होने बैठ जाएगी। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप पूरा पूरा उपयोग करेंगे, और जो सोचने और समझने की शक्ति आप में है वो विशेष रूप से आपके अंदर जो है समाहित होगी और अपना फलत्व देगा। और जीवन काल में यदि उस समय कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक का निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। वास्तव में 42वें वर्ष के बाद से आपका जो व्यक्तित्व रहेगा अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की संभावना है। साथ में जो है निश्चित तौर पे जो है अचल संपत्ति का आपको लाभ भी अपने जीवन काल में मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब थोड़ा सा एक रेखा और दिखाई दे रही है, हल्की बन रही है,
यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आ रही है, यहाँ पे ये रेखा जा रही है, एक मनी ट्रायंगल भी आपकी हथेली में बन रहा है। ये मनी ट्रायंगल अभी एक दो स्तंभ ठीक नहीं हुई है इसलिए पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पे 42वें वर्ष में पूर्णतः बन जाएगा। और जब ये पूर्ण बनेगा ना, ये व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा लेता है। मनी ट्रायंगल क्या होता है आप हर जगह जो है इसके बारे में देखते हैं सोचते हैं, तो ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी राहु के पर्वत का है तो बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा और बन रही है, ये सूर्य का पर्वत है। ये स्पष्ट और सुंदर जितनी होती जाएगी ये गद्दी देने वाली रेखा है। भले ही पहले संघर्ष जरूर रहता है लेकिन बाद में व्यक्ति जो है गद्दी की प्राप्ति करता है, कुर्सी देने वाली लाइन है। ये मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति करवाने वाली लाइन है, ये धन देने वाली लाइन है। तो आने वाला समय आपका बिजनेस का समय है, आने वाला समय आपका धन शोहरत कमाने का समय है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा जीवन जो है थोड़ा परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा से गुजर जाएगा धैर्यपूर्वक, बहुत सुंदर समय यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छे खासे रूप में है इस बात की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण आ रहे हैं जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपकी ये उंगली जो है इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, हाँ आपके अंदर यश पाने की, फेम पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये उंगली देखें, ये उंगली देखें, तो दोनों जो है बराबर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आपके बृहस्पति के गुण हैं वहीं सूर्य के गुण भी आपकी हथेली में बराबर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये उंगली जो है यहाँ पे इस तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, तो नेम धन कमाने की जो ललक है जीवन काल में वो बनी रहेगी इस बात की और ये जो है इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये उंगली इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुँच पा रही, हल्की छोटी है। देखिएगा इसमें नाखून थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। और वो भी जब बिजनेस करेंगे उसमें टॉप लेवल को प्राप्त करेंगे अगर थोड़ा बढ़ा दिया तो। और थोड़ा सा जो है बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर लो, हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा प्रयोग करो, पूरे व्यक्तित्व को निखार देगी। और सुबह ब्रश करने के बाद कुछ समय तक, संडे को छोड़कर, दो पत्ती तुलसी का सेवन करें, कुछ समय तक नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ समय तक। और एक परफ्यूम होता है चंदन की खुशबू वाला, अगर उससे एलर्जी नहीं है परफ्यूम से तो नहाने के बाद अपने बदन पे डेली डालें, बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। सुबह शाम बिना माला जपे 21, 51 या 108 बार बड़ी प्रेम से जो है बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ करें, किसी अच्छी जगह पे बैठ के, जरूरी नहीं पूजा घर में, अपने घर में बैठने की, कहीं पे भी बोल बोल कर बहुत सुंदर ढंग से जो है इसका जो है पाठ करें, बहुत सुंदर रहेगा ये खान पान और ये जीवनचर्या आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। साथ में योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया आप कर लेते हैं तो इसके परिणाम देखने लायक होंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, देखिएगा शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। आपका अगर मंगल देखें, मंगल दोनों अच्छे हैं, आपका एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर बृहस्पति की बात करें, नीचे शनि की तरफ ये झुका हुआ है तो पारिवारिक समस्याओं की ओर जो है इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से रह सकती हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रहेगा। शनि बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है,
कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है, और थोड़ा ख्यालात अलग अलग देता है, सपने थोड़ा डरावने देता है, इस चीज़ की ओर ये ले जाता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गहरा है, इस्तेमाल हो सकते हैं, थोड़ा कहीं छोटी मोटी चीज़ों में धोखा भी खा सकते हैं, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दूसरी बात, ये नौकरी का मालिक है, ऐसे में नौकरी के मामले में बड़ी अस्थिरता रहती है, व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है, और कोई न कोई अड़चनों से व्यक्ति, तनाव से व्यक्ति गुजरता रहता है, उस नौकरी का ज़्यादा फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैं शनि का बेहतरीन उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें, बेहतरीन समय आएगा ये निश्चित है, और अभी आपको नौकरी ही करनी है, व्यवसाय में अभी आपका जो है नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 42वें वर्ष से आप अगर व्यवसाय करें तो उसमें लाभ होने की संभावना अधिक है। यहाँ पे देखें तो ये ठीक है, थोड़ा इसको भव्य अवस्था में लाना है, ठीक है ना। इसका केवल योगिक क्रिया द्वारा, जो सबके लिए है, इसके लिए भी वही है, अलग अलग नहीं करनी है, ये अपने आप आ जाएगा। ये उठा हुआ है वर्तमान में, जो इच्छा है, छोटा काम भी करेंगे ना, नेम और फेम पाने की इच्छा को ये बता रहा है। वैसे अगर देखा जाए बुध अच्छे रूप में है, लेकिन और भी अनुकूल लेने ले सकते हैं तो पूरे व्यक्तित्व को निखारेगा, और आपको जो जीवन में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगा और उसमें वृद्धि करेगा। चंद्रमा और मंगल के बारे में हमने पहले ही बता दिया है आपको, देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत बारीकी से जो है विश्लेषण कर लिया है, और उतनी ही बारीकी से जो है आपको सभी जो है चीज़ें ऑडियो के माध्यम से लिख करके बराबर रूप में बता रहा हूँ। अगर आप करते हैं, कुछ ही समय बाद बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।